सो हे गाइस, आज के इस कमाल के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस कमाल के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने इंस्टाग्राम स्टोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी को हम लोग कैसे ज़्यादातर इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे एडिट करना है। मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे विदाउट किसी ऐप के इंस्टाग्राम के अंदर ही हम लोग कुछ यहाँ पे सेटिंग्स करने वाले हैं और यहाँ पे कुछ एडिटिंग करने वाले हैं, जिसको एडिटिंग करने के बाद आप लोग की जो स्टोरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। जस्ट आप लोग जैसे अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे ऊपर एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो सिंपल से आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे स्टोरी डालना है, तो सिंपल से आपको स्टोरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग स्टोरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे एक डबल ए लिखा दिख रहा होगा, तो सिंपल से आपको इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब सबसे पहला जो काम है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड, तो आप लोग को जो भी बैकग्राउंड चाहिए आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको दूसरा कोई बैकग्राउंड चाहिए तो आप लोग यहाँ पे टैप करके इस बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हो। आपको जो भी यहाँ से बैकग्राउंड चाहिए आप लोग नीचे टैप करते जाओ और चेंज करते जाओ, यहाँ से आपका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे टैप करना है। टैप करके यहाँ पे आपको कुछ भी लिख देना है। कुछ भी लिखने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और इसको यहाँ से आपको सबसे फर्स्ट में डिलीट कर देना है। आप लोग ये करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब हमारे यहाँ पे जो भी ऑप्शन था वो खुल चुका है। अब आपको सिंपल से क्या करना है, पहले तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने पे हमको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाता है और नीचे कलर भी दिख जाता है, तो आपको जो भी कलर रखना है वो आप कलर रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से ब्लू ले लेते हैं और ऊपर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप लोग थर्ड नंबर पे देख रहे होंगे तो थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जहाँ आपको मन करे आप लोग पूरे में इसको टैप कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमको जहाँ मन करता है हम लोग यहाँ पे टैप कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे ज़्यादा इम्प्रूव करना है अपनी वीडियो को, तो हम लोग यहाँ पे टैप कर देते हैं। सब तरह आपको टैप कर देना है इस तरीके से करके। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, हम लोग कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे फुली टैप कर देते हैं, तो यहाँ पे हमको ऐसे ऐसे करके टैप कर देना है, तो हमारा यह चीज़ कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे करना है कि आपको सिंपल से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे बीच में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लिखने को बोला जाता है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, अपने आईपैड में जाके आपको इस वाले ऑप्शन पे ऐसे 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 टैप करते जाना है और आपको यहाँ से इस चीज़ को हटा देना है। यहाँ पे हमको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो आपको ऐसे करके आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको इसको सिंपल से यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें बाद में फिर ये चीज़ दोहराना ना पड़े। कॉपी करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने पे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आपको दोनों उंगली की सहायता से इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपको इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ऊपर की तरफ लेके जाने के बाद आपको उस पर वहाँ तक ले जाके छोड़ देना है। फिर से आपको बीच में टैप करना है और आपने जो कॉपी किया उसको यहाँ पे क्लिक करके आपको कुछ सेकंड क्लिक करके रखना है और आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको फिर से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको वही चीज़ फिर से करना है, इसको भी आपको सीधा कर लेना है और उंगली की सहायता से इसको भी आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग कुछ इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं क्योंकि हमें इसमें बहुत चीज़ अभी ऐड करना है। करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। फिर से क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर टैप करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आपको कुछ इस तरीके से करके यहाँ पे चार लाइन आपको बना लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग यहाँ से टैप करके फिर से एक लाइन और बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा चारों लाइन, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा चारों लाइन यहाँ पे क्लियर हो चुका है।
तो कुछ इस तरीके से आपकी जो लाइनिंग है वो क्लियर हो जाएगी। ये करने के बाद आपको फिर से एक बार बीच में टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ से अगर न्यू पोस्ट लिखना है तो आप लोग वहाँ से लिख सकते हो, बट आपको यहाँ पे हमको बहुत सारा एक ऑप्शन दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले पे रखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अपना न्यू पोस्ट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लिख लेते हैं यहाँ से न्यू पोस्ट। ये हमारा न्यू पोस्ट लिखा गया। उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से डन कर देंगे। डन करने के बाद इसको हम लोग उंगली की सहायता से यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पे आप लोग इसको जितना साइज देना चाहते हो उतना दे सकते हो। देने के बाद आपको इसको यहाँ पे बीच में लेके जाना है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे बीच में ले जाके इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको फिर से एक बार बीच में टैप करना है और आपने जो कॉपी किया उसको फिर से आपको यहाँ पे एक बार पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने पे आप लोग इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ऐसे करके इसका कलर भी आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो और यहाँ पे डन कर देना है। इसको भी सीधा करके इसको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे लेके आना है और इसमें बीच में एडजस्ट कर देना है। इसको करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे एक इमोजी वाला ऑप्शन दिखता है जो थर्ड नंबर में, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने पे आपके सामने कुछ बहुत सारा ऑप्शन दिख जाता है और यहाँ पे नीचे आपको इस तरीके से दो यहाँ पे एक कैमरा का और एक गैलरी का ऑप्शन दिख जाता है। अगर आप लोगों में ये गैलरी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये गैलरी वाला ऑप्शन अभी सभी को नहीं मिला है। अगर आप लोग को नहीं मिला है तो सिंपल से आपको क्या करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम सबसे पहले अपडेट कर लेना है। अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट हो जाएगा तो आपको भी ये वाला मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इस पर एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो भी फ़ोटो लेना है उस फोटो को आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। सिंपल से आप लोग देख सकते हो, हम लोग यहाँ से इस फ़ोटो को एडिट करने वाले हैं, तो इस फ़ोटो को ले लेते हैं और इसका यहाँ पर थोड़ा साइज भी हम लोग छोटा कर देते हैं ताकि हमारा जो है अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट यहाँ पर हमारा हो जाए। आप लोग देख सकते हो, ये हमारा कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे राउंड करना है तो आप लोग इस पर टैप करते जाओगे, ये आपका जो है कुछ अजीब अजीब तरीके से ये एडिट होते चला जाएगा। तो आप लोग जिस तरीके से रखना चाहते हो आप इसको रख सकते हो। आप लोग जिस भी तरीके से इसको रखना चाहते हो बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो ये सबसे सिंपल यहाँ पे आसानी से हमारा एडिट होने वाला है विदाउट एनी एप्लीकेशन के। आप लोग यहाँ पे अनलिमिटेड फ़ोटो भी यूज कर सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।